अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी काफ़ी टाइम के बाद जो है आप लोग के साथ मैं कुछ शेयर कर रही हूँ। जो है पिछले दिनों मुझे टाइम नहीं मिला और मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, तो अब मैंने कहा कि आप लोग के साथ जो है अपनी कैनेडा से अमेरिका की जो है जर्नी शेयर की जाए। अमेरिका में गई हुई थी, ये अभी मैं जो हूँ एयर कैनेडा से जो है मैं जो हूँ अमेरिका जा रही हूँ, सैन फ्रांसिस्को अपनी अम्मी से मिलने के लिए। वहाँ पे मेरे भाई भाभी रहते हैं और आजकल मेरी मदर वहाँ पे आई नहीं है, तो मैंने सोचा कि कोविड की वजह से काफ़ी अरसे से जो है किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो क्यों ना अमेरिका जाके घूम भी लें और अम्मी और भाई भाभी से भी मुलाकात कर ली जाए। तो इस वक्त जो है मैं जो हूँ रवाना हो चुकी हूँ और बहुत ही मज़ेदार वहाँ का ट्रिप मेरा रहा, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। तो ये जो है वहाँ पे मैंने काफ़ी इंजॉय भी किया और कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या किया, वो सब आप लोग के साथ मैं अभी शेयर करूँगी। तो ये अब मैं जो हूँ सैन फ्रांसिस्को पहुँचने वाली हूँ। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर अभी ये मैं पहुंच चुकी हूं और बाहर जो है मेरे भाई भाभी जो हैं रिसीव करने के लिए आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। और पहली दफ़ा जो है मैं सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर आई हूं। इससे पहले जो है सैन होजे एयरपोर्ट पे मैं आई थी, तो ये पहली दफ़ा जो है यहां पे आई हूं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये एयरपोर्ट है। तो अब ये जो है हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं, भाई भाभी से मैं मिल चुकी हूँ और अभी अपनी अम्मी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बस हम बस अभी घर पहुँचे हैं और अम्मी से मिलने के बाद बहुत मज़ेदार डिनर भी हमने कर लिया है। ये जो है मेरी भाभी ने जो है बहुत ज़बरदस्त जो है चिकन रोस्ट की हुई थी और अफ़गानी पुलाव, सूप, कबाब और बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई हुई थी, तो डिनर का मज़ा आ गया। डिनर का मज़ा तो वैसे भी आते ही है, लेकिन अपनों के साथ जब डिनर होता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके, और उसके बाद हमने जो है अपनी थकान दूर की, रेस्ट किया एक दिन। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है हम सैन फ्रांसिस्को घूमने निकल गए। मैंने पहले भी देखा हुआ था सैन फ्रांसिस्को, लेकिन ये है कि अब आप लोग के साथ जो है वीडियो शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। तो ये जो है निकल चुके हैं सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए। वहाँ पे हम गोल्डन गेट ब्रिज पे जाएंगे और पियर 39 पर जाएंगे। तो क्या क्या किया वो सब मैं आपको भी आगे जाके शेयर करती हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी। ये हम पहुंच गए हैं सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में, पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो है ये चूँकि ऊंचाई पे बनी हुई है, तो ये रोड का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त होता है और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जो है बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो है गोल्डन गेट ब्रिज पे जा रहे हैं। ये सैन फ्रांसिस्को में बहुत ही मशहूर ब्रिज है। जब 1933 में ये बनना शुरू हुआ था, तो इस वक्त ये बहुत बड़ी ब्रिज थी जो वायर के ऊपर जो है सस्पेंशन थी, जिसकी ना वायर के ऊपर बनी थी, तो ये काफ़ी मशहूर थी। उसके बाद 1937 में जब इसका इफ्तिताह हुआ, तो उस वक्त से ये जो है काफ़ी मशहूर है। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करते हैं। ये काफ़ी मशहूर ब्रिज है, इसको गोल्डन गेट ब्रिज कहते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, कोविड की वजह से जो है उतने लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी। ये ओवरऑल सारा व्यू है। अब हम ऊपर जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर।
ये हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आप देख रहे हैं सामने ब्रिज भी नज़र आ रहा है, और ये जो है ब्रिज का मॉडल है। यहाँ पे मैंने जो है कुछ फ़ोटो क्लिक्स की और कुछ जो है हमने वीडियो बनाई। मैं तो खैर इतनी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाती, वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये मेरी फैमिली ने मेरी हेल्प की, मेरे बेटा और बेटी ने, तो ये कुछ मैंने क्लिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर की है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है सब कुछ। ये रोड है जो ब्रिज से कनेक्ट है, यहाँ से जो है आप गाड़ी के ज़रिए क्रॉस कर सकते हैं। पहले भी मैं बहुत दफ़ा यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन इतना अच्छा वेदर कभी नहीं मिला। हमेशा बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन आज वेदर जो है बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने ब्रिज पे वॉक की और फिर वहाँ से ये जो है कुछ मैंने वीडियोस बनाई। बहुत ही खूबसूरत ये मनाजिर थे, तो ये कुछ फ़ोटो भी क्लिक की थी। ये ब्रिज के ऊपर हमने खड़े होकर ये सारी फोटो और वीडियो बनाई है। ये लहरों का शोर बहुत अच्छा लग रहा था, और ये दूसरी तरफ पूरा सैन फ्रांसिस्को का जो है शहर आपको नज़र आ रहा है। ब्रिज पे खड़े होकर ये मैंने ओवरऑल व्यू बनवाया, आप देख सकते हैं। ब्रिज के ऊपर गाड़ियां जो हैं रवा दवा हैं, और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं इसका व्यू। और ये वहाँ पे स्टेयर्स पे हर लैंग्वेज में अहलन व सहलन, वेलकम लिखा हुआ था। और अब हम जो है पेयर 39 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, आप सेवेनियर्स वगैरह खरीद सकते हैं। होटल है, रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो है हम ऊपर से पेयर 39 पे जो है ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे जो है सील्स होती हैं बहुत सारी। ये देखिए आप आराम फरमा रही हैं, कुछ पानी में घूम रही हैं, और उनकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं।
यहाँ पे काफ़ी रश तक बहुत क्राउड आया हुआ था, लेकिन ये है कि अच्छी बात ये थी कि लोगों ने मास्क वगैरह लगाया हुआ था। काफ़ी टाइम के बाद जो है अब लोग बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं और घूमने फिरने आने लगे, तो ये कि काफ़ी कुछ यहाँ पे नॉर्मल लगा मुझे। काफ़ी लोग आए हुए थे, ये देखें आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। फैमिली के साथ घूमने फिरने में तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है। ये देखें कितनी ज़्यादा सेल्स नज़र आ रही हैं। अब हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ से जो है आप करीब से जाके जो है देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ताले लगाए हुए हैं, सबके अपने अपने वो होते हैं, तो पहले यहाँ पे बहुत कम ताले होते थे, अब जो है उनके तादाद बढ़ती जा रही है। ये जो है किसी का पेट था, ये देखें पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे बहुत कम ताले थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो आपको दूर नज़र आ रहा है जज़ीरा, ये अल्कट्राज है, ये अमेरिकन जेल हुआ करती थी एक ज़माने में, अब जो है विज़िटर्स के लिए इन्होंने रखा हुआ है, तो फेरी से आप इस पे जा सकते हैं। तो अगर हम जाएंगे तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जो है हम इधर आ गए, यहाँ पे जो एक मैजिक शो चल रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म के शोज़ वगैरह चलते हैं, सॉन्ग वगैरह लगा के रखते हैं ये, तो ये जो है बच्चों के लिए एक शो चल रहा है। यहाँ पे हमने कुछ देर एंजॉय किए। ये पेयर 39 का पूरा लुक है। इसके बाद जो है लंच टाइम हो चुका था, हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो फिर हमने सोचा कि कुछ खाने जाते हैं, तो फिर हमने पिज़्ज़ा खाने के लिए डिसाइड किया और यहाँ पर आ गए। यहाँ पे हमने फिर अच्छी तरह से जो है अपना लंच इंजॉय किया, मार्गरिटा पिज़्ज़ा, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, ये सब हमने इंजॉय किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे हेलोवीन की वजह से जो है काफ़ी डेकोरेशंस वगैरह हुई हुई थी, तो हमने फिर पिज़्ज़ा के साथ सही इंसाफ किया और फिर बाहर जो शॉप्स वगैरह बनी हुई थी उनमें सवेनियर्स वगैरह मिलते हैं, तो फिर हमने वहाँ से फिर शॉपिंग वगैरह की। अल्कट्राज और गोल्डन गेट ब्रिज और मुख्तलिफ सैन फ्रांसिस्को के जो है सोवेनियर वगैरह की हमने शॉपिंग की। यहाँ पे जो है किचन बहुत खूबसूरत थी।
उसके बाद हम लोग जो है सैन फ्रांसिस्को के मेन डाउनटाउन में थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहे। यहाँ पे चाइना टाउन भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे ये जो रोड्स है ऊपर नीचे बनी हुई है ये काफ़ी ज़बरदस्त लगती हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये देखें इस तरह से जो है ऐसा लगता है आप राइड्स पर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो है अभी टाइम है तो क्यों ना ट्विन पिक्स पे भी चला जाए। तो फिर हम लोग जो है ट्विन पिक की तरफ जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे एक मशहूर जगह है सैन फ्रांसिस्को में, और अगर आपको हाइकिंग वगैरह का शौक़ है तो वहाँ पे जा सकते हैं, और फिर वहाँ से पूरे सैन फ्रांसिस्को का भी नज़र आता है। अभी हम जो है ट्विन पीक्स पर पहुंच गए। अभी जो है रोशनी थी तो मैंने फटाफट जो है फोटो क्लिक की और वीडियोस बनाई। मगरिब का टाइम होने वाला है तो उससे पहले हमने ये जल्दी जल्दी वीडियो बना ली। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। बहुत ही खूबसूरत व्यू ऊपर से लग रहा होता है। ये अब हम और ऊपर आ गए हैं, वहां से अब बना रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता रात हो रही है। अब हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, वापसी का इरादा है। बहुत थक भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया सैन फ्रांसिस्को में, तो जो है अब वापस जा रहे हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं लाइट्स। तो हमने सोचा कि वापसी में जो है यहाँ पे एक और ब्रिज है बे ब्रिज के नाम से, तो उससे हम लोग अभी गुजरेंगे। वो भी बहुत खूबसूरत लगती है रात में, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह उन्होंने लगाई हुई है। तो व्यूवर्स अब हम लोग जो है घर की तरफ जा रहे हैं। ये बे ब्रिज शुरू हो चुका है और हम लोग अभी ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे लाइट्स हैं। थोड़ा बहुत जो है मैंने कुछ तस्वीरें क्लिप्स की, और ये देखें ये फ़ोटो भी मैंने क्लिक की, और पीछे गाड़ी के पीछे वाले शीशे से जो है ये थोड़ी सी वीडियो बनी है ब्रिज की। तो अभी हम लोग जो है डिनर के लिए जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि कोई देसी फूड इन्जॉय करें, टिक्के वगैरह, सेक कबाब वगैरह। तो ये देखें ये बहुत बड़ा जो है स्क्रीन लगी हुई थी एक बिल्डिंग के ऊपर। तो बस व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर जल्द आपसे दूसरी वीडियो भी शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।